जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी धीरज अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। तेज बहाव के कारण धीरज और अन्य दो दोस्तों का संतुलन बिगड़ने से वह नदी में डूबने लगा। वहां बैठे लोगों ने लड़कों को पानी में डूबता देख दो को बचा लिया, वहीं एक तेज बहाव में डूब गया। साथियों ने घर वालों को धीरज के डूबने की सूचना दी तो घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और करीब 4 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की सहायता से धीरज के शव को नदी से बाहर निकाला जा सका। वहीं मृतक धीरज के परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। युवक की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या घटना हुई यहाँ? यहाँ ये लोग नहाने आए थे सर, कॉलोनी से। नहाने के बाद कुछ लोगों ने इनको भगा दिया। उसके बाद ये फिर वापसी आके वो लोग चले गए। उसके बाद फिर ये नहाने लगे, उसके बाद ये डूब गए 1:30 बजे टाइम। क्या लोग थे पानी में गए थे? पानी में करीब 4-5 लोग थे, 6 लोग। और क्या लोग डूबे हैं उसमें? एक लोग डूबा, दूसरा वो भी बच गया। इसको बचाने के चक्कर में वो भी बच गया। अच्छा, लाठी के सहारा। क्या लोग हो गए? एक लोग एक्सपायर हो गए।